गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज आपके फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुलदीप आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हाल ही में आपने कुछ सुना होगा मेरे बारे में, कुछ भी जो मैं अभी हाल में सिरोही पिंडवाड़ा क्षेत्र में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में फायरमैन के लिए इंटरव्यू देने गया था। तो मैं आज आपके ये बताता हूँ कि आखिर इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस हिसाब से रहना है। तो आज शुरू करते हैं हमारी वीडियो। अगर जिसने भी आज पहली बार देख रहा हो वो हमारी वीडियो, उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे टाइम पे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अगर इंटरव्यू देने के लिए कहीं पे जा रहे हो तो सबसे पहले आपका हेयर कट सबसे अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बाल बड़े बड़े हों तो उनको ऐसा लगे, ये तो अपना टाइम तो बाल संवारने में ही लगा देगा। आपके बाल ऐसे होने चाहिए, साइड में से फौजी कटिंग होती है ना, उसे ऊपर तो कोई बड़े हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइड में कानों की साइड में जो गुद्दी होती है पीछे की तरफ से एकदम सफेद एकदम प्लेन होनी चाहिए। और दूसरी चीज, आपकी जो यूनिफॉर्म है एकदम सिंपल कलर में होनी चाहिए, चेक में नहीं होनी चाहिए, यानी अलग अलग डिजाइन में नहीं होनी चाहिए, जींस नहीं होनी चाहिए, स्पोर्ट्स शूज नहीं होनी चाहिए। आपकी सबसे बेटर यूनिफॉर्म होती है व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज और ब्लैक बेल्ट। ओके, और आपके पास डॉक्यूमेंट्स की दो डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, एक तो फोटोस्टेट और एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अलग अलग डायरी होनी चाहिए, यानी कि जो अपने नोट्स जो आते हैं ना वो अच्छी बुक्स यानी फाइलें फाइल होनी चाहिए। उसके बाद आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे ये आपकी फोर्थ बटालियन है एक तरह से, फायर अपने इंडियन में ये फोर्थ बटालियन के नाम से जान जाती है, फायर डिपार्टमेंट। उसके अंदर जाने से पहले कोई भी आपसे बड़ा अधिकारी हो उस पे अगर केप, सामने अगर केप लगा रखी हो और अगर आपके पास केप नहीं है तो आप साधन तन के एकदम जय हिंद सर कर सकते हो आप एकदम। उसके बाद आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं मैं बताता हूँ आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है आग कितने प्रकार की होती है, एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रेंट कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रेंट किस काम आते हैं, एक्सटिंग्विशर कौन सा किस मेथड पे काम करता है, जो कार्बोनेशन की आग होती है वो किस मेथड के द्वारा बुझाई जाती है, कौन से एक्सटिंग्विशर के द्वारा बुझाई जाती है। यहाँ तक कि कभी कभी सामने वाले को इतना नॉलेज नहीं होता सामने वाले को भी कि वो पूछे क्या, वो आपके क्वेश्चनों में ही आपसे उठा के कुछ पूछेगा। तो पूछ लेगा फायर एक्सटिंग्विशर कोड्स की कोड क्या किस में आते हैं, या फिर ये पूछ लेगा फायर डिपार्टमेंट किस अनुसूची का भाग है, आपको अनुसूची का भाग तो पता होगा ना, ध्यान रखना होगा। और अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जा रहे हैं तो एक कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण का एक टॉपिक आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो जो नौ टाइप्स आते हैं ना उसमें नौ टाइप्स वो जरूर पढ़ के जाएं, कौन सा टाइप किस में आता है, कौन से का तीन भाग है, कौन से का पांच भाग है, किसी का चार भाग है, वो जरूर ध्यान रखें। उसके बाद आप बिना काम में ज्यादा बोले नहीं, अगर आपको आता है तो हाँ, अगर नहीं आता तो चुप रहें बस, यस या नो में जवाब दें। धन्यवाद, थैंक यू।